मैं अभी टेक्सन स्क्वायर और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वेदर है, घने घने इस जगह पे ना अपने मत्थे पे बंदा कैमरा लगा ले और भूल जाए। कितनी बारी कैमरा ऑन करोगे और बंद करोगे यार। वाहेगुरु वाहेगुरु, ये कैमरा में कैप्चर ही नहीं हो सकती ये चीज़ यार। ये क्या है, ये पेंटिंग लग रही है कोई। यूरोप में थे अभी थोड़ी देर पहले और हम एशिया में आ गए हैं अभी, और एशिया से फिर हम यूरोप में चले जाएंगे। आज हमारा डे टू है कि डे टू है, और अभी हम हैं इस्तेकाल स्ट्रीट पे और हम जा रहे हैं अभी तकसिम स्क्वायर। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। मैं अभी टेक्सम स्क्वायर और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वेदर है, पकोड़े और जलेबी की कमी है यहाँ पे। घने घने ये देखो, यहाँ पे है क्लाउड्स और वहाँ देखो साफ सुथरा एकदम। साढ़े पाँच हो गए अभी 3 बजे। अच्छा मैं वहाँ का इंडिया टाइम ही देखने जा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं उस्कुदार, बिकॉज हमने जाना है चांबिला तपेसी हिल्स है यहाँ पे एशियन साइड, जहाँ से पूरा इस्तांबुल दिखता है यूरोपियन साइड। तो भी हम जा रहे हैं बोट में उस्कुदार, उस्कुदार से फिर हम बस लेंगे। बस नंबर ही पता करना पड़ेगा वहाँ पे क्या है। हमें ना इस्तांबुल आने वक्त सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की टेंशन थी कि भाई मौसम कैसा होगा, गर्मी होगी। कैसा मौसम है यश? अमेजिंग। मौसम ने इतना साथ दिया ना हमारा, पूछो ही ना। हम जाएंगे ऊपर, तेरी पैर गिरने लगा था। कलम गए थे कीना लियाडा आइलैंड जो गए थे, छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे सिर्फ साइकिल चलती हैं। आज हम जा रहे हैं चांबिला तपेसी, चांबिला हिल। ये पीछे जो जा रहा है वो यूरोप है, और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो सारा एशिया है। वेदर इतना ब्यूटीफुल है, इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, थोड़ा सा कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बारिश हो गई, उसके बाद तो हम पहुंच गए हैं चांबिला तपेसी जाना चाहते हैं। अब बारिश हो रही है, हम खड़े हैं छत के नीचे। अब पता नहीं हमें जाना भी कैसे है, पूछना पड़ेगा। एक बड़ी भयंकर सी अपने को वैन मिल गई है जाने के लिए चांबिला हिल्स। यश जल्दी आओ, चांबिला हिल। How much? One ticket, two lira, 40 kurush. Okay.
से कहाँ दिखा रहा है? विस चांदीला पार्क फ्रॉम हियर राइट राइट ओके ओके थैंक यू. हम शूट नहीं कर पाए जौन सा रास्ता था पूरा उसकुदार से यहाँ तक, क्योंकि बस में थे हम, छोटी सी एक. हाँ यहीं पे. इतना सुंदर रास्ता, इतनी ग्रीनरी, इतनी पहाड़ियाँ, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं और वो पार्क का रास्ता देखो. पता नहीं चल रहा साला, पर बहुत स्लांट है ये. बीवी कैमरा बचा ले बस, मुझे ना बचाइयो, कैमरा बचा ले. चांदीला पार्क स्ट्रेट. थैंक यू. हिंदुस्तान 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 हाउ फार यूज 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर यूज दोस्त 500 meters ओके थैंक यू. हम वहां से आ रहे हैं, जो आंखें देख रही है वो आप नहीं देख सकते. वो देखो इतनी स्लांट चढ़ के, बहुत ज्यादा थक गए भाई. बहुत स्वाद, चिकन की खुशबू आ रही है. वो देखो कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े गंदे हो चुके हुए थे क्योंकि बारिश पड़ गई थी, और हम अपना साथ में कपड़ों की स्टपनी लेके चलते हैं, और इसलिए मैंने चेंज कर लिया. और यहाँ पे सुसु करने के भी 2 लीरा लगते हैं, और कपड़े चेंज करने के भी 2 लीरा लगे हैं. अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि थक गए थे. पानी पीना मुझे प्लीज, मेरी बीवी पानी पिला दे मेरे को. मुझे भी पीना. बहुत थक गए. सुसु करो, 2 रुपए का पानी पियो. 2 लीरा का सुसु करने के लिए 2 लीरा रुपए दो, और 2 लीरा दो और पानी पियो. पानी की बोतल भी 2 लीरा की. पानी महंगा है यहाँ पे. रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी पानी मांगते हैं ना, वो यही देते हैं. 30 रुपए की, मतलब 500 ml. हाँ 15 से अगर करते हैं. क्या बात है बेटे, जो हमें दिख रहे हैं ना वो आप नहीं सोच सकते अभी. अब आपको दिखाते हैं हम कहाँ पे हैं. हम आए थे इस्तांबुल यूरोपियन पार्ट में थे, और अभी हम आगे हैं इस्तांबुल के एशियन पार्ट में. जहाँ पे हम हैं ना अभी, ये सारा एशियन एरिया है इस्तांबुल का, और जितना एरिया पीछे दिख रहा है वो सारा यूरोपियन इस्तांबुल है. बारिश शुरू हो चुकी हुई है, पर ये जगह एंड है. चांबिला तपेसी नाम है इस जगह का. चांबिला हिल्स पे हम, और सारा यूरोप है. इस जगह पे पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की अभी हमने. लड़े भी हैं. लड़े कहाँ हैं? लड़े हैं. और ये बोलती रहती है हमेशा कुछ ना कुछ. ये देखो अभी भी लड़ रहा है. इस जगह पे आने के लिए हमने पहले गए हम तकसिम स्क्वायर, फिर तकसिम स्क्वायर से हम फोटो खींच खूच के हम गए मेट्रो स्टेशन. मेट्रो स्टेशन में कीसा पीटा हुआ, कुछ समझ नहीं आया. हमारा इस्तांबुल कार्ड था, उसको रिचार्ज करने लगे तो कहते आज फ्री है. तो फिर वहाँ से निकले तो मेट्रो में गए.
भरी पड़ी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो एकदम भरी पड़ी थी और हम थके पड़े थे, कोई जगह बैठने की थी नहीं उसमें। फिर एकदम से एक आगे स्टॉप आया और सामने लोग उठे, हम फटाफट बैठ गए उसमें। जब बैठे तो एक बाहर से गोरा आया, कहता भाई साहब आखिरी स्टॉप है। फिर हम कंफ्यूज कब करें क्या। फिर हमने वहाँ से, एक बंदे ने गाइड किया हमें, वहाँ से हमने ली बोट। फिर बोट से हम आए उस्कोदार, उस्कोदार से हम फिर लिया, हमने एक मेटाडोर टाइप था वो मेटाडोर लिया। फिर उसने हमारे को कम से कम आधे घंटे का रास्ता था उसने ड्रॉप किया। फिर वहाँ से हम पैदल आए, 2 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर होगा। थक गए भाई, थक गए। और जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो जगह वर्थ है यहाँ पे आना, कि कहाँ से आप एशियन इस्तांबुल से यूरोपियन पार्ट देख रहे हो अब सारा। कितनी अच्छी फील है ना यश, कि आप यूरोप में भी हो और एशिया में भी हो। इस्तांबुल एक ऐसी जगह जो आधी यूरोप में है आधी एशिया में है, और हम यूरोप में थे अभी थोड़ी देर पहले और हम एशिया में आ गए हैं अभी, और एशिया से फिर हम यूरोप में चले जाएं। इस जगह पे ना अपने मत्थे पे बंदा कैमरा लगा ले। भाई साहब बात ऐसी है, बहुत थक गए हैं। चांबिला तपेसी ने हमारी टांगों की माँ बहन कर दी है भाई। वी स्टार्टेड आवर डे एट अराउंड, बारिश करके हमने अपना दिन शुरू किया था अराउंड 12:30 बजे, एंड वी केम बैक एट अराउंड 9:30 बजे, 8:30-9 बजे अराउंड होटल में। सो इट वॉज अ लॉन्ग डे बट इट वॉज वर्थ इट। नाउ ही हैज फाउंड अ पंजाबी रेस्टोरेंट हियर, इंडियन रेस्टोरेंट, एंड सो वी आर गोइंग आउट देयर। वो आधे घंटे में बंद होने वाला है, सो वी आर जस्ट रशिंग नाउ। हम लोग जा रहे हैं, गैग्स जी जा रहे हैं वहां का बटर चिकन खाने। शो मी योर फेस। भाई साहब मैंने यहाँ पे जोमेटो खोला और जोमेटो कैसे पता चला, एक हम यहाँ पे गए थे कबाब खाने, वहाँ पे लिखा था रिव्यू अस जोमेटो, मैं कहा भैन दी शिगी है, तो वधिया हो गया। जोमेटो खोला, उसमें आ गया इंडियन रेस्टोरेंट। बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ गया, थूक इकट्ठा हो गया था मेरे मुंह में अभी, क्योंकि उसमें मेन्यू में ना एक चीज मेंशन थी, वो था बाल्टी वाला बटर चिकन। इतना सेक्सी लग रहा ना सुन के भी, तो इसलिए हम आ जा रहे हैं। और बस 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 बहुत हो गया, चलो फिर आपको वहां जाके दिखाते हैं। नहीं, वहां जाके नहीं दिखाना। देखो दुनिया रुक गई हमारे लिए, देखो दुनिया दिखाओ। चुप करके चल गगन, देखो